हेलो बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 11th या क्लास 12th में अभी कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आगे जाकर CUET या CA फाउंडेशन के एग्जाम को देने का सपना होगा। तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 11th के स्टूडेंट से भी, क्लास 12th के स्टूडेंट से भी, और खासकर उन बच्चों से जिनका आगे चलकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना है या अपने CA बनने का सपना है और CA फाउंडेशन की जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा रोड मैप, सारी गाइडेंस पूरी की पूरी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना। बच्चों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के साथ। देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक गाइडेंस और आगे का रोड मैप समझने के लिए अपने बचे हुए टाइम फ्रेम को एक बार अच्छे से समझते हैं कि आखिर अब हमारे पास क्या क्या टाइम बचा हुआ है। देखो बच्चों, अब आपके मोस्टली हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं या होने वाले हैं। अब आप ये समझ लो मोटा मोटा आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का एक 4 महीने का टोटल पीरियड बचा हुआ है, जिसमें आपको सब कुछ करना है। अगर कोर्स कंप्लीट कर रहा है या करने बचा है, सबसे पहला वो करना है, रिवीजन करना है, सैंपल पेपर्स की तैयारी करनी है, प्रोजेक्ट्स अगर बनाने नहीं है अभी तक तो प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको। मतलब आपके पास टोटल 4 महीने का कुल समय है जिसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा। फिर CBSE ने जो अपनी डेट्स मेंशन करी है उसके मुताबिक 15 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू होंगे जो 10 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं अगर आपके मेन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आप मान के चलो लगभग वो मार्च के महीने में ही चलेंगे और मार्च के महीने में आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब उसके आगे की टाइमलाइंस को बड़े ध्यान से देखना। मान लो आपके 10 अप्रैल वाले दिन पेपर एग्जाम खत्म होते हैं बोर्ड्स के। अब जो CUET का एग्जाम आपका होने वाला है बच्चों, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे जिनका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आपको अपने 15 मई से 31 मई तक जो CUET के एग्जाम होंगे उसकी तैयारी, उसको एग्जाम देने के लिए समय दिया जाएगा। तो अगर आप अब ध्यान से देखो तो आपके पास रफली बोर्ड्स एग्जाम के बाद 1 महीने का प्योर समय बचेगा जिसमें आप अपने CUET की तैयारी करोगे। तो पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने CUET के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो देखो बच्चों, CUET के अंदर मोस्टली आपका एक जो पहला सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सेक्शन 1। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है डोमेन सब्जेक्ट्स का। डोमेन का मतलब होता है जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते हैं। और तीसरा पोर्शन होता है इसके अंदर जिसको आप बोल सकते हो शॉर्ट में क्वांट सेक्शन। क्वांट यानी कि जिसमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग होगा, कुछ GK भी हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटीज GK भी लेती हैं, या लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस तरह का पोर्शन जिसको हम क्वांट कह देते हैं। तो आपको इन चीजों की तैयारी मेनली करनी पड़ती है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कॉलेजेस में कुछ इनके अपने अपने क्राइटेरियाज हो सकते हैं। किसी कॉलेज का अपना अलग हो सकता है, किसी कॉलेज का अपना अलग हो सकता है, किसी में इंग्लिश शायद कम नंबर की पूछे या किसी में क्वांट कम नंबर की पूछे। लेकिन इन टोटैलिटी जो भी आप अगर उस चीज को टारगेट करते हो अपने CUET एग्जाम को, तो आपको कहीं ना कहीं इन तीनों ही चीजों पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, कौन से कॉलेज को एक बार आप टारगेट कर रहे हो, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार जरूर देख लेना कि किसकी वेटेज कितनी है। खैर, क्योंकि मेरे को जनरल वीडियो बनानी थी तो मैंने तीनों को यहां पर कवर करके चल लिया। अब आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो? तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं तो आप अपने क्लास 12th में जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो वो सब कुछ एक तरह से बाय डिफॉल्ट डोमेन की ही तैयारी कर रहे हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अभी आप क्लास 12th की तैयारी में हो सकता है सब्जेक्टिव फोकस ज्यादा करते हो और MCQ पर फोकस कम करते हो। लेकिन CUET के अंदर MCQ का क्वेश्चंस ज्यादा ही होंगे, यानी कि पूरे ही MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो उसकी तैयारी के लिए आपके पास अभी सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप अभी जो अपनी क्लास 12th की तैयारी करो, हर चैप्टर के अभी से हैबिट डाल लो कि आप MCQ जरूर करो। उससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट, MCQ करने से हमेशा चैप्टर का कॉन्सेप्ट पक्का होता है, तो आपके क्लास 12th की भी तैयारी अच्छी होती रहेगी
और साथ ही साथ आप अपने डोमेन की भी सीयूईटी की तैयारी इसी बहाने कर लोगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि अगर आप अभी से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो इसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा और आप एक तरह से अपने सीयूईटी की अच्छी तैयारी कर लोगे, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब हो सकता है आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो जहां पर इंग्लिश वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हो या क्वांट वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हो। तो देखिए बच्चों, इनकी तैयारी के लिए वैसे तो जो एक महीने का आपको समय मिलेगा वो भी सफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी से ही बिल्कुल दो दो तीन तीन घंटे पढ़ना है, वो भी सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अभी से उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी करना चाहते हो तो उसके बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, उसके लिए मार्केट में बुक्स भी होती हैं और उसके लिए आपको वीडियो गाइडेंस भी मिल जाती है। और अगर आपके आसपास कोई कोचिंग है या कोई भी ऑनलाइन बैच आप लेना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू भी ये तैयारी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको इसकी तैयारी कैसी करनी है, लेकिन आपको इस पर फोकस जरूर करना चाहिए क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं अभी इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहता और मैं लास्ट के एक महीने में ही इसकी तैयारी करूंगा तो भी आप कर सकते हैं। बस उस समय आपको पूरा फोकस उसी पर देना पड़ेगा क्योंकि फिर ऑब्वियसली आपकी कोचिंग क्लासेस भी डेली हुआ करेंगी, चार पांच घंटे की क्लासेस होंगी, होमवर्क होंगे, तो आपको डेडिकेटेडली इसी पर पूरा टाइम देना पड़ेगा। अब सीयूईट के एग्जाम देने के बाद बच्चों, आप में से जितने भी बच्चों का सपना है कि हमें सीए बनना है, तो मैं उनको बता देता हूं, सीए बनने के लिए आपको बच्चों जो सीए फाउंडेशन यानी कि जो फर्स्ट लेवल होता है उसका एग्जाम देना पड़ता है। वो फाउंडेशन का एग्जाम जब क्लियर होता है तब आप आगे जाके अगले लेवल के लिए एलिजिबल हो पाते हो। अब जिन भी बच्चों को सीए फाउंडेशन का अपना एग्जाम देना है तो आप ये मान लो कि आपका जून के अंदर जो अटेम्प्ट होगा वो 25 जून से मान लो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर क्या हम सीए का एग्जाम जून अटेम्प्ट में दें या ना दें, और अगर सर हम कॉलेज जाएंगे तो क्या हम साथ में सीए का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो दोनों के ही आंसर है यस। अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो आप जून का अटेम्प्ट जरूर दीजिए, उसको अपने अटेम्प्ट को वेस्ट करने का कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर आपने बिना पढ़े भी देना है तो भी बिना पढ़े दीजिए, कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो होगा। और दूसरी चीज है कि क्या हम कॉलेज के साथ ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ, रेगुलर कॉलेज के साथ सीए कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बिल्कुल जून का एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, इसके लिए बस एक चीज याद रखना, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है आईसीएआई में वो है 1 जनवरी 2024। उससे पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लेना बस, और आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अब देखो, सीयूईटी के एग्जाम के बाद आपको सिर्फ एक महीना मिलेगा अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए। अब सीए फाउंडेशन का मैं ब्रीफ आपको यहां बता देता हूं, हालांकि इस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, कि इसमें आपके चार पेपर्स होते हैं 100 नंबर ईच के, यानी कि 400 नंबर का पूरा ये बन गया गत्था। अब 400 नंबर की चार पेपर्स की तैयारी करना, जिसमें अकाउंट्स का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस, लॉ एक नया पेपर उसका पूरा सिलेबस और मैथमेटिक्स का पूरा पेपर रहेगा, तो एक महीने में अगर हम सोचें कि बिल्कुल अफ्रेश हम एक महीने में ही तैयारी करेंगे तो वो बहुत बहुत मुश्किल है। उसको मैं कह सकता हूं अनरियलिस्टिक है, क्योंकि एक महीने में सिर्फ स्क्रैच से सीए फाउंडेशन की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जिनका टारगेट बच्चों का सीए करने का है उनके लिए फिर क्या है तरकीब, दो तरीके हैं। या तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी से ही स्टार्ट करें। अब वो कैसे कर सकते हैं उसकी भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता सकता हूं, कि आप अभी अपनी तैयारी में जो अकाउंट्स का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है और मैथ्स का पोर्शन है, जिसमें कॉमन चैप्टर्स होते हैं क्लास 11th और 12th के, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को अभी अपनी तैयारी का पार्ट बनाइए, क्योंकि उससे आपको प्रेशर फील नहीं होगा। 12th के चैप्टर्स पढ़ोगे वो 12th की तैयारी में हेल्प भी कर देंगे, और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है जिसमें डिटेल में आपको बता रखा है कि भैया कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर एग्जैक्टली 11th और 12th के सेम है, वो वीडियो जरूर देख लेना। अब उसके बाद मान लो आपने थोड़ी थोड़ी तैयारी इनकी करी, जनवरी के बाद अपनी तैयारी रोक देना, फिर प्रॉपरली बोर्ड्स पर फोकस करना। लेकिन बोर्ड्स खत्म होते ही फिर आपको सीयूईट के साथ ही अपने सीए की तैयारी को भी साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा, यानी फिर आपको अपने दिन में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है,
जिसमें 3 से 4 घंटे अपने सीए को देने हैं, 5 से 6 घंटे सीयूईटी की तैयारी को देने हैं, जो मोर देन सफिशियंट है, ताकि आप अपने इस टाइम को भी सीए की तैयारी में यूटिलाइज कर पाओ। और फिर जब सीयूईटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो लास्ट के 30 डेज में फुल फ्लेश्ड सीए की तैयारी करो, तो इस तरह से फिर आप अपनी सीए की भी तैयारी को कंप्लीट कर पाओगे। तो देखो बच्चों, पॉइंट ये है कि हर बच्चे का अपना एक गोल है, अपना एक एम है, उसको अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से ही करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, एक जनरल पैटर्न बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे का अपना कुछ टारगेट हो, है ना। लेकिन देखो, अल्टीमेटली टाइम आपके पास इतना ही है, 4 महीने ये, उसके बाद का महीने तो आप गिनो ही मत, 2 महीने एग्जाम में निकल जाएंगे, 1 महीना सीयूईटी लगभग, 1 महीना सीए फाउंडेशन, तो मोटा मोटा रोड मैप यही रहने वाला है ना। और मैं आपसे देखो यही कहना चाहता हूँ सब बच्चों से, कि इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, कहीं पर यूट्यूब के कमेंट में देखता हूँ उसमें आते हैं, कि सर हम कभी मन करता है पढ़ नहीं पा रहे, ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, या हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, हम खो जाते हैं। अब ये सब चीजें देखो क्यों हो रही है, क्योंकि आप अपने या तो गोल्स बड़े नहीं रख रहे, या फिर आप जो गोल्स बनाते हो वहां तक अचीव करने के लिए आपने प्लानिंग नहीं कर रखी, या आपने जो प्लानिंग कर रखी है आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, तो कहीं तो प्रॉब्लम है। तो आपको ही इसका सॉल्यूशन सही निकालना पड़ेगा। हम गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं, अल्टीमेटली एक्शन किसको लेना है, आपको लेना है। अल्टीमेटली फ्यूचर किसका सिक्योर होगा, आपका होगा। कल को जब आप अच्छा करोगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, माता पिता का प्राउड फीलिंग होगा, सीना चौड़ा होगा, उसकी अच्छी फीलिंग आपको होगी। तो आपको ये सोचना है कि टाइम मेरे पास यही है, बस अपने गोल को निर्धारित कर लो कि मुझे ये करना है, उस गोल के हिसाब से अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। एक एक दिन डिफाइन होना चाहिए कि इस दिन में क्या, इस दिन में क्या, और उसको बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करना है। जब आप एक बड़े एम को अपना गोल बनाकर आगे बढ़ते हो, तो बीच रास्ते के छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस चाहे कुछ भी हो, वो आपको नजर ही नहीं आने शुरू होंगे, वो आपको परेशान ही नहीं करेंगे। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये मतलब आप मान लो कि ये आपके लिए बिल्कुल रोड मैप क्लियर हो गया। तो क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बातें बहुत जरूरी। और हाँ, अब जब इतनी बातें हो ही गई हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज भी बता देता हूँ, न्यूज एज इन कि आप बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त और एक एग्जाम के लिए बूस्टर डोज लेकर आ रहे हैं हम लोग। अब क्या लेकर आ रहे हैं, देखो बच्चों, मैं पिछले 11-12 सालों से अपनी बुक्स लिख रहा हूँ, अपना मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, और हमारी बुक्स में हमारी कोशिश ये होती है कि इस तरह से मटेरियल बनाया जाए जो पूरी तरह से एग्जॉस्टिव हो। और हमेशा हर बार जैसे ही सीबीएसई अपना लेटेस्ट पैटर्न लॉन्च करती है, हम उसकी पूरी स्टडी करके, रिसर्च करके ही अपना कंटेंट तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं करते कि सिर्फ जल्दीबाजी के चक्कर में, फटाफट से बुक लॉन्च करने के चक्कर में या मटेरियल लॉन्च करने के चक्कर में कुछ भी लगा दिया। तो आप बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, जितने भी बच्चे, चाहे आप किसी भी ट्यूशन, किसी भी गाइड, किसी भी बुक, रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, आप सबके लिए मैं इस साल एक बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, और हमारी पूरी आरकेजी की टीम उस पर लगी हुई है, जिसमें आपको टॉप नॉच क्वेश्चंस दिए जाएंगे विद सॉल्यूशंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए 100% रेलिवेंट होंगे, प्लस कॉन्सेप्चुअल होंगे, यानी कि उसमें एग्जॉस्टिवली हर कॉन्सेप्ट कवर किया गया है, प्लस इंपॉर्टेंट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की लेटेस्ट बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखकर ये बातें की गई हैं, और इनमें अलग अलग सेक्शंस हैं, जिसमें कि आपको एमसीक्यू के अलग सेक्शन मिलेंगे, रीजन एसर्शन क्वेश्चंस के अलग सेक्शन मिलेंगे, चीजों को समझने के लिए अलग से माइंड मैप्स मिलेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जो जब लॉन्च होंगी तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा, पर आप ये ध्यान रखना कि आपके लिए अब चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं और बहुत सी चीजें आपको अवेलेबल है, सिर्फ आपको पढ़ना है। आपकी सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मटेरियल्स है, लेकिन सिर्फ आपको अपना काम करना है। तो आप अपना काम करो, बाकी हमें अपना काम करने दो, हम अपना काम अच्छे से करें, आप अपना काम अच्छे से करो, और फिर देखना रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो ये है हमारी 12th के बच्चों की कहानी। अब आता हूं हमारे सबसे छोटे छोटे प्यारे भोले मासूम क्लास 11th के बच्चों पर, जिन्होंने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, जो अभी शायद अंडे से निकले भी नहीं है। अब उन बेचारों को क्या पता, उनकी बात कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे 11th के बच्चों, देखो आपके पास तो अब मुश्किल से बस ये समय बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी तो मैं काउंट ही नहीं करता,
फरवरी में ही आपके तो फाइनल एग्जाम सब शुरू हो जाएंगे, और फिर आप आ जाओगे अपने क्लास ट्वेल्थ में। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे इलेवेंथ में ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि हमने आधा साल निकाल दिया और हमने तो पढ़ाई ढंग से नहीं करी, अब हम पढ़ेंगे या अब सोचेंगे चलो अब तो अगले साल पढ़ेंगे, इस तरह के थॉट्स होंगे। तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात छोटे मासूम बच्चों, अगले साल तो जो होगा वो तो बात की कहानी है, क्योंकि अब आपका जो रोड मैप है वो तो कितना बड़ा है। आपको ट्वेल्थ करनी है, फिर आपको भी आगे चलकर सीयूईट देखना होगा। आप में से भी बहुत बच्चे सीए सीएस सीएम या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का सोचेंगे, तो अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देखो बड़े ध्यान से सुनना। कोई जल्दीबाजी अभी नहीं करनी, अभी सिर्फ आपको अपने फाइनल एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करनी। अब आप एक दृढ़ निश्चय ये बनाओ सब बच्चे अलेवेंथ के कि हमें कुछ भी अभी आगे का नहीं सोचना। देखो अभी आपको कोई सीयूईट की तैयारी की टेंशन नहीं लेनी, वो सब कुछ ट्वेल्थ पे बेस्ड होगा। कोई सीए की तैयारी का अभी से प्रेशर नहीं लेना, बहुत सी मैं देखता हूँ बच्चे भी आजकल प्रोएक्टिव हो गए, चाहते हैं कि हम अभी से सीए की तैयारी कर लें, अच्छी बात भी है। लेकिन देखो बच्चों राइट टाइम पर राइट चीज करने का ही फायदा है। अब ऐसे तो बच्चा नर्सरी क्लास में पहुंचते ही कह दे कि भाई मैं सीए की तैयारी करना चाहता हूँ, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चा तो कितना प्रोएक्टिव है, लेकिन फायदा नहीं है। इसी तरह आपको भी अभी कुछ सीए के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप क्लास ट्वेल्थ में आओगे तब आपको बिल्कुल सही समय पर सीए की तैयारी के बारे में भी बताया जाएगा कि कब शुरू करनी है, सीयूईट की तैयारी के बारे में भी बताया जाएगा कब शुरू करनी है। लेकिन अभी आपका क्या फोकस है देखो, और आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा, आपका सिर्फ फोकस है कि आप बस रिमेनिंग टाइम में जो भी हाफ ईयरली में अगर गलतियां हुई हैं, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, आपको ये सोचना है कि अब अगले बार फाइनल में मुझे उससे ज्यादा लाने हैं, मुझे अपने प्रीवियस स्कोर को बीट करना है, दैट्स इट। बस इसी एक चैलेंज को लोगे तो अपने आप अच्छा पढ़ोगे, अपने आप अच्छा करोगे, सिंपल सी बात होगी। हाँ, बाकी इंपॉर्टेंट चीज, आपको सीयूईट देना है, आपको सीए बनना है, आप अभी क्या करना, अकाउंट्स मैथ्स और इकोनॉमिक्स इनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनकी चीजें आगे बहुत काम आने वाली हैं। खासकर सीए के लिए तो मैंने स्पेशली भी बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, वीडियो में भी बताया है, अकाउंट्स के जो चैप्टर हैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स बीआरएस डेप्रिसिएशन, ये तो सीधे सीधे आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर होते हैं, और ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ना। इसी तरह इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका पोर्शन है उसके पहले के पहले चारों यूनिट्स, मतलब इंट्रोडक्शन डिमांड वाला पूरा, कंज्यूमर बिहेवियर सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू एंड मार्केट्स, पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन में है। और अगर आप स्टैट्स भी पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स, तो वो भी 80% आपके सीए फाउंडेशन के अंदर है, मेनली प्रैक्टिकल चैप्टर्स, वो अच्छे से पढ़ना, मीन मीडियन मोड कोरिलेशन इंडेक्स नंबर, तो आपको तो और क्या ही चाहिए। तो आप तो अपनी यही तैयारी अगर अच्छे से कर लो तो आप समझ लो हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह मैथ्स जिनके पास है, मैथ्स में अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, ये सब आपका सीए में काम आएगा। तो आपका फोकस प्यारे इलेवेंथ के बच्चों सिर्फ इस बात पर रहना चाहिए कि अब आपको आगे के टाइम को अच्छे से यूज करना है, क्योंकि अब आपके जो चैप्टर्स बचे भी होंगे ना हाफ ईयरली के सिलेबस के बाद, वो थोड़े से मुश्किल और बड़े हैं, और फाइनल एग्जाम्स में उनकी वेटेज भी ज्यादा होगी, है ना। तो आपने जितना टाइम वेस्ट करना था, जितनी मस्ती करनी थी कर ली, बहुत खेल मस्ती हो गई, अब थोड़ा पढ़ाई का समय बढ़ाओ। अभी से एक हैबिट बना लो आप भी कि हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो अब कल को बहुत कम समय बाद आप भी ट्वेल्थ में आ जाओगे। जो गाइडेंस ट्वेल्थ वालों को अब हम दे रहे हैं, जो शिक्षाएं उन्हें दे रहे हैं, आप उसको अभी से अगर फॉलो कर लोगे, एक रूटीन बना लोगे, तो आप एक देखना एक स्टेप अप आगे आ जाओगे। तो बस आपके लिए अभी यही जरूरी है कि अपने फाइनल एग्जाम्स में अपने पुराने स्कोर को बीट करना है, दैट्स इट। और आपके लिए अच्छी बात सर हमारे लिए भी बताओ, जैसे ट्वेल्थ वालों के लिए बताई, तो आपके लिए अच्छी बात तो पहले दिन से ही चल रही है, आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपके लिए वेरी सिंपल, जिन बच्चों को अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्कशीट, और अब तो हमारे बहुत जल्दी इसके अंदर लाइव क्लासेस जो हमारी इंस्टीट्यूट से होती हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, डिस्कशंस करवाते हैं, आपके कुछ स्पेशल सेशंस भी होते हैं, वो ऐप के अंदर आपके मिल जाएंगे, जो आप
सीधा ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर देख सकते हो, अकाउंट्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी और बिजनेस स्टडीज का भी। तो आपको तो बस सिंपल ऐप डाउनलोड करना और कुछ नहीं, और अगर वो भी नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, आप YouTube से जो मैं पढ़ा रहा हूं उन वीडियोस को शिद्दत से सब कुछ पढ़ लो तो आप मास्टर बन के निकलोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इन चीजों को सभी बच्चे फॉलो करना, और आशा करता हूं इस पूरी वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है, जो भी बातें आपको समझाई हैं या जो भी चीजें आपने सीखी हैं उन्हें बस फॉलो करो, और बाकी कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो या खराब लगी हो वो भी बता देना, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छी चीज जितने दोस्तों तक पहुंचाओगे आपका भी भला होगा, दोस्त का भी भला होगा, और सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, और यही हमारा भी सपना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, फिर करेंगे अपने नॉर्मल पढ़ाई की बातें।